काफी सारे लोग इंटेल वर्सेस एएमडी प्रोसेसर के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन सा बेस्ट है, प्राइसिंग, परफॉर्मेंस, स्पीड, ओवरक्लॉकिंग या फिर कौन से काम के लिए कौन सा प्रोसेसर परचेज करना चाहिए, ये जानना चाहते हैं। तो आज इस वीडियो के साथ में आप बने रहिए, मैं आपको सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा प्रोसेसर बेस्ट रहेगा, इंटेल का या फिर एएमडी का। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अर्जुन डांगी, आपका मेरे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। देखो, इंटेल और एएमडी दोनों ही बड़ी कंपनी है और इंडिया में ज़्यादातर लोग इन्हीं का प्रोसेसर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं आपको 6 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे कि आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि आपको कौन सा प्रोसेसर परचेज करना है। तो देर किस बात की। पहला पॉइंट सॉकेट का। इंटेल के जो प्रोसेसर हैं इसमें आपको LGA 1700 सॉकेट मिलता है, जो कि आपको 12 जनरेशन, 13 जनरेशन और 14 जनरेशन तक के जो मदरबोर्ड है उसमें वो सॉकेट चल जाता है। जबकि अगर आप AMD में देखोगे तो AM4 है और AM5 है, ये दो तरह के सॉकेट आपको अभी देखने को मिल रहे हैं। AM4 जो है वो Ryzen 3 और Ryzen 5 के अंदर चलता है, और अगर आपने Ryzen 7 ले लिया तो इसमें आपको AM5 का सॉकेट देखने को मिलता है। अब इन दोनों का मैंने आपको क्यों बताया वो बता देता हूँ। तो इंटेल तो 14 जनरेशन तक सपोर्ट करता है, तो इसके बाद में अगर कोई नई जनरेशन आई तो वो सॉकेट चेंज कर देगा, तो आपको मदरबोर्ड भी चेंज करना पड़ेगा। जबकि AMD के जो सॉकेट्स होते हैं ये AMD जल्दी चेंज नहीं करता है। जैसे Ryzen 9 है उसमें भी वही है, Ryzen 7 में भी वही है। फ्यूचर में अगर 2025-26 में कोई नई जनरेशन आएगी तो AM5 सॉकेट पे चल जाएगा, तो यहाँ पे AMD आगे निकलता है। दूसरा, परफॉर्मेंस के मामले में इंटेल वर्सेस AMD में कौन सा बेस्ट है। इंटेल के अंदर आपको कम कोर्स और कम थ्रेड्स देखने को मिलते हैं, जबकि AMD में ज्यादा कोर्स और ज्यादा थ्रेड्स होते हैं, लेकिन जो क्लॉक स्पीड होती है वो इंटेल में आपको ज्यादा देखने को मिलेगी और AMD के अंदर जो क्लॉक स्पीड होती है वो कम देखने को मिलती है, लेकिन ज्यादा कोर्स और ज्यादा थ्रेड्स हैं तो इससे भरपाई हो जाती है। तो यहां तक तो ये दोनों ही प्रोसेसर बढ़िया चल रहे हैं, परफॉर्मेंस के मामले में भी बेस्ट है, लेकिन किसको कौन सा प्रोसेसर खरीदना है ये भी तो पता चलना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सिंपल आपको बता देता हूँ, गेमिंग के लिए अगर आपको कंप्यूटर बिल्ड करना है और प्रोसेसर खरीदना है तो आप AMD में चले जाओ, क्योंकि AMD के जो प्रोसेसर हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं और ये ओवरक्लॉकिंग काफ़ी अच्छी कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर प्रोसेसर ओवरक्लॉक्ड होते हैं। अब देखो, जिनको ऑलराउंडर प्रोसेसर परचेज करना है, जैसे वीडियो एडिटिंग करनी है, आपको ब्राउजिंग करनी है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है, 2D 3D एनिमेशन करना है, जैसे ऑलराउंडर काम करने हैं, तो वहाँ पे आप इंटेल का प्रोसेसर ले लो। तो ये दो चीज़ों से आपको पता चल गया कि आपको कौन सा प्रोसेसर लेना है, लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। अगर आप वीडियो को आगे देखोगे तो और आसानी से समझ पाओगे। नंबर 3 पर है ओवरक्लॉकिंग। ओवरक्लॉकिंग क्या होती है, इसका मतलब ये है कि प्रोसेसर की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, जो पावर है, वहाँ तक वो क्या करेगा, यूज़ होगा। अब इंटेल के जो प्रोसेसर होते हैं वो क्या होते हैं कि लॉक्ड होते हैं, उसमें एक तो बेस स्पीड आपको मिलेगी और एक टर्बो स्पीड मिलेगी, उससे ज़्यादा वो नहीं जाएगा, और ये भी इसमें लिमिटेड होता है। जबकि AMD के जो प्रोसेसर होते हैं वो ज़्यादातर प्रोसेसर ओवरलॉक्ड होते हैं, अनलॉक्ड आप कह सकते हो, जो कि मैक्सिमम कैपेसिटी तक जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इंटेल का जो K सीरीज का प्रोसेसर है वो अनलॉक्ड है और टर्बो स्पीड तक जाएगा। तो अगर किसी ने K सीरीज का प्रोसेसर लिया है और अगर किसी ने AMD का प्रोसेसर लिया है तो दोनों ही बराबर चलेंगे और इंटेल आगे भी निकलेगा। कैसे निकलेगा वो मैं आपको आगे प्रोसेसर का कंपैरिजन करके भी बताऊंगा। अब यहाँ पे मैं प्रोसेसर की तो जानकारी दे ही रहा हूँ, अगर किसी को कंप्यूटर कोर्सेज, एनिमेशन कोर्सेज करने हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ज्ञानबुक लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप घर बैठे एनिमेशन कोर्सेज सीख सकते हो, यूट्यूब कोर्स सीख सकते हो, जैसे बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। या फिर मैंने लिंक दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप मेरे वेबसाइट पर जाके भी एनिमेशन कोर्स कर सकते हो, 2D वीडियोस बना सकते हो, यूट्यूब के लिए मोरल स्टोरीज, हॉरर स्टोरीज, फनी वीडियोस आप बना पाओगे, तो जाके आप चेक कर सकते हो। नंबर 4 पर है पावर कंजप्शन। इंटेल और AMD में से अगर मैं आपको बताऊं तो इंटेल जो है वो सबसे ज़्यादा पावर कंजप्शन करता है। अगर आप ईयरली, मंथली अगर आप देखोगे तो इंटेल के प्रोसेसर पर ज़्यादा बिजली खर्च होती है, जबकि राइजन के या फिर AMD जो प्रोसेसर है उसमें बिजली कम खर्च होती है, ये आप खुद ही देख पाओगे, मैं आगे आपको कंपैरिजन भी बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे एक अगला पॉइंट आता है, नंबर 5, ये होता है प्राइसिंग का।
आपको ये तो पता चला कि इंटेल आगे निकलता है, गेमिंग के लिए एएमडी लेना है, लेकिन प्राइस से आप डिसाइड कर पाओगे कि आपका जितना बजट है उसी में तो आप प्रोसेसर लोगे। तो यहाँ पे मैंने दो दो प्रोसेसर बताए हैं, इंटेल के भी दो प्रोसेसर बताऊंगा और एएमडी के भी दो प्रोसेसर बताऊंगा, जिससे कि आप डिसाइड कर पाओगे कि एएमडी महंगा है या इंटेल महंगा है। तो यहाँ पे मैं इंटेल की बात करूँ, इंटेल का 12700K सीरीज का ये प्रोसेसर लिया है, दूसरी तरफ राइजन 7 5800X3D ये प्रोसेसर लिया है। दोनों का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा ये मैंने स्क्रीनशॉट भी लगा रखा है और मैं अलग से मैन्युअली लिख के भी बताऊंगा। इंटेल 12700K सीरीज में 12 कोर्स हैं और 20 थ्रेड्स मिलते हैं, जबकि एएमडी राइजन 7 के अंदर 8 कोर्स और 16 थ्रेड्स मिलते हैं। दोनों की क्लॉक स्पीड की बात करें तो इंटेल के इस प्रोसेसर में 3.6 गीगाहर्ट्ज की बेस क्लॉक स्पीड मिलती है, जबकि एएमडी राइजन 7 के अंदर 3.4 गीगाहर्ट्ज की आपको बेस क्लॉक स्पीड मिलती है। क्योंकि ये प्रोसेसर इंटेल का K सीरीज का है तो इसमें आपको अनलॉक्ड प्रोसेसर मिलता है और 5.2 गीगाहर्ट्ज की इसमें आपको टर्बो स्पीड मिलेगी, जबकि AMD Ryzen 7 पहले से अनलॉक्ड आता है और इसको ओवरक्लॉक करके हम 4.3 गीगाहर्ट्ज की टर्बो स्पीड ले सकते हैं। और अगर मैं दोनों ही प्रोसेसर की कीमत बताऊं तो इंटेल 12700K सीरीज का Amazon पर अभी 25,000 रुपए में मिल रहा है, जबकि Ryzen 7 5800X3D 35,000 रुपए में मिल रहा है। अगर दोनों का परफॉर्मेंस देखोगे तो यहाँ पे इंटेल का जो 12700K सीरीज है इसका परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है। तो प्राइस अगर डिफरेंस देखें तो AMD 10,000 रुपये ज़्यादा महंगा मिल रहा है। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, मैंने दूसरा प्रोसेसर भी बताया है जो कि लेटेस्ट जनरेशन का है। यहाँ पे लेटेस्ट जनरेशन का इंटेल का 14700K सीरीज का लिया है, जबकि दूसरी तरफ राइजन 7 7800X3D ये प्रोसेसर लिया है। दोनों ही लेटेस्ट जनरेशन है, दोनों के प्राइस लगभग सिमिलर है, अमेजन पे आप देख सकते हो 39,000 के आसपास में मिलते हैं। लेकिन प्राइस कंपैरिजन का बेंचमार्क अगर आप देखोगे, ये स्क्रीनशॉट आप देख रहे होंगे, इसमें 11% अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है इंटेल का 14700K सीरीज प्रोसेसर। तो यहाँ पे जब दोनों ही प्रोसेसर की कीमत बराबर है तो इंटेल की स्पीड अच्छी कैसे आ रही है, क्योंकि इंटेल ने काफी ज्यादा इस पे काम किया है और स्पीड को बरकरार रख रखा है। अगर आप इंटेल के काफी सारे प्रोसेसर के बारे में कंफ्यूज हो कि कौन सा सीरीज का लेना चाहिए, तो मैंने ये वाला वीडियो दे रखा है जिससे कि आप डिसाइड कर पाओगे कि i3, i5, i7, i9 में से कौन सा सेलेक्ट करना है, ये आपको पता चलेगा। इसका लिंक आई कार्ड पे दे रखा है या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हो। नंबर 6 कंक्लूजन, दोनों में से कौन सा बेटर रहेगा, तो ये मैंने शुरू में बता दिया। जिनको ऑलराउंडर प्रोसेसर लेना है वो इंटेल वाला ले सकते हो, जिसको गेमिंग के लिए लेना है, ओवरक्लॉक पे चलाना है, तो वो क्या कर सकते हैं, एएमडी प्रोसेसर ले सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना, जैसे जो 13 और 14 जनरेशन है इंटेल के, वहाँ पे आपको जो सॉकेट मिलता है वो बाद में चेंज करना पड़ेगा। अगर मान लो 15 जनरेशन आ गई, 16 जनरेशन आ गई, तो वहाँ पे वो मदरबोर्ड जो होता है ना उस पर वो इंटेल का सॉकेट जो दे रखा है प्रोसेसर का वो नहीं लगेगा, मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा। जबकि राइजन इतना स्पीड से अपना जो सॉकेट है वो चेंज नहीं करता है, AM5 आ रहा है राइजन 7 के साथ में, तो इसमें क्या होता है कि लंबे समय तक अगर आपने मान लो प्रोसेसर की जनरेशन चेंज भी होती रही, उसी मदरबोर्ड पे AMD का प्रोसेसर चल जाएगा। तो बातें सारी क्लियर कर दी है, आपको पता चल गया होगा कि आपका कौन सा उद्देश्य है जिसके लिए आपको प्रोसेसर परचेज करना है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दो, कमेंट करके अगर आपकी कोई राय है तो पूछ सकते हो। मैं फिर मिलूंगा ऐसे कुछ नए वीडियोस के साथ में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। लंबे समय तक अगर आपने मान लो प्रोसेसर की जनरेशन चेंज भी होती रही, तो उसी मदरबोर्ड पे क्या होगा, आपका जो राइजन का